आइए पहले इस सवाल से शुरू होते हैं। 40 संख्याओं का औसत 27 है। संख्या कितना भाई साहब? 40 है। औसत कितना है? 27 है। उनमें से पहली 30 संख्या, 40 में से 30 संख्या की बात कर रहा है। चलिए औसत 17 है, 27 के जगह 17 हो गया, कम हो गया। 40 में से 30 संख्या के बारे में बताया है, लेकिन साथ में औसत बताया है कि कम है। पहले सबका औसत 27 है, यहां पे 30 संख्या का औसत कम है। अगली 9 संख्या, मतलब 40 में से 30 के बारे में बता दिया और 9 बराबर 39 हो गया, का संख्या का औसत 8 है, मतलब 17 से भी कम है। अंतिम संख्या ज्ञात करें तो देखो ऐसा है ना, सारे संख्या का औसत 27 है, जबकि 30 संख्या का 17 है, 27 से कम, 9 संख्या का औसत और भी कम। तो इसका मतलब 40वां जो संख्या है बहुत बड़ी संख्या है, जिसने सबके औसत को बढ़ाकर 27 कर दिया। इस सवाल से तो मुझे इतना ही समझ में आ गया। तो 40वां जो संख्या होगा वो देखो, वो खुद के औसत को रखना होगा 27, 30 संख्या के औसत को 17 से बढ़ा के फिर 27 करना होगा, 9 संख्या के औसत 8 को भी बढ़ा के वो 27 करेगा। बस इतनी तो बेसिक बात है। तो चलिए खुद के लिए वो 40वां संख्या बड़ा दानी है, खुद के लिए तो उसको खाली 27 चाहिए, तो ये 27 हमने लिख दिया। अब 30 संख्या का औसत 17 है, तो इसमें 10 बढ़ाना होगा ना, तब तो ये 27 होगा ना। तो 30 संख्या का 10 से गुणा करके ये उसको देना होगा, तभी 30 संख्या का औसत 27 हो जाएगा। फिर 9 संख्या का औसत 8 है, तो यहां 19 और देगा, तभी तो ये संख्या 27 होगा ना। तो मतलब है कि यहां पर भी ये दान करेगा, 9 संख्या को 19 करके देगा। अब देखो सबका जो औसत 27 हो जाएगा, तो मतलब वो संख्या अपने में क्या होना है, 27 प्लस 300 प्लस 171, 19 नवा 171 होता है, जोड़ दिया तो 498 हुआ, जवाब 498 हुआ। ये सहज और सरल पद्धति है। एक और आइए, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत और धारा के दिशा में एक नाव की गति का क्रमिक अनुपात 4 और 9 है। 4 कब है? जब धारा के विरुद्ध में जा रहा है। 9 कब है? जब धारा के दिशा में नाव जा रही है। धारा के दिशा में जा रही है मतलब पानी भी नाव को ठेल रही है, धारा के विरुद्ध जा रही है मतलब नाव को धारा के रेजिस्टेंस को हटा के फिर आगे बढ़ना है, इसलिए धारा कम हो रही है। तो बोलता है नाव की गति और धारा की गति। अब बोलता है कि भैया तो फिर नाव की गति क्या है, धारा की गति क्या है, इनका अनुपात बता दे। तो देखो बड़े छोटे में होता है ये कंपोनेंडो डिविडेंडो सिस्टम है, या हिंदी इसका भूल गया हूं क्या बोलते हैं। चलो मैं कैसे लिखता हूं, चलो ये नाव है एक्स और ये धारा है, मैं पकड़ लिया एक्स नाव है, वाई धारा है। जब बोलता है कि हम थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं, बोलते हैं धारा की दिशा में जा रहा है नौ, तो धारा की दिशा में जा रहा है नौ, और धारा के विपरीत जा रहा है एक्स माइनस वाई, तो ये 4 दिया है। ये देखो नाव है, ये वाई क्या है, धारा है। अब धारा के विरुद्ध में जाना हो रहा है, 4 हो गया, बड़ी अच्छी बात है। ये तो दिया हुआ, इसको मैंने लिख दिया, खाली इतना क्या उल्टा इसलिए कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के लिए एक्स प्लस वाई को ऊपर कर दिया, मतलब नौ को ऊपर कर दिया, 4 को नीचे लिख दिया, बात खत्म हो गई। अब क्या बोलता है, मेरे को चाहिए एक्स और वाई चाहिए, मेरे को एक्स और वाई चाहिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्म आप जानते हैं, जब ये होता है और ये बराबर इस भिन्न के बराबर होगा, तो ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के रूप में होगा, ये इस भिन्न में चेंज हो जाएगा, और इधर वाले भिन्न में देखो क्या होगा, इसके साथ जुड़ेगा और इसके साथ घटेगा, मतलब 9 के साथ 4 जोड़ दिया, 9 के साथ 4 घटा दिया, तो x क्या हो गया 13, y क्या होगा 5। x है नाव की गति और y क्या है धारा की गति। देखो ये एक सिस्टम है,
ये सिस्टम है, अगर आप ऐसे करोगे इसको इसको, जैसे आप अब बोलोगे ये होता कैसे है, तो देखो ये तो जानना है आपको, तो भी मैं थोड़ा सा कर देता हूं। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई करोगे तो क्या होगा, प्लस एक्स माइनस वाई करोगे तो क्या होगा, देखो वाई वाई कट जाएगा, ठीक है ना, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह चलो इसको दे दिया, अब x माइनस वाई है तो हम इसको लिखते हैं x माइनस वाई, ठीक है ना, माइनस इसको लेके आते हैं हाँ, ऊपर वाले को माइनस x माइनस वाई, इसमें क्या हो गया देखो x x कट गया तो बराबर हो गया 2x माइनस 2y, ठीक है ना। ओ सॉरी सॉरी, ये तो मेरे को एक्स सॉरी एक्स प्लस वाई होगा और इधर होगा माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये होगा प्लस 2y, तो ये 2 2 कट गया, तो देखो ये एक्स वाई निकल गया, ठीक है ना, जो एक्स वाई ये है। और इसको चूंकि हमने इसको जोड़ा है, देखो एक्स प्लस वाई में एक्स माइनस वाई जोड़ा है, इसलिए 9/4 में भी हमें जोड़ना पड़ेगा। देखो कंपोनेंटो डिविडेंडो का ये मामला है, तो 9 के साथ हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। और नीचे जैसे हमने x प्लस वाई से x माइनस वाई घटाया है, तो यहां भी आपको 9 से 4 घटाना पड़ेगा, तो ये बराबर क्या होगा 13/5। तो आप समझ रहे हैं इस सवाल को केवल कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देने से अति सहज अति सरल अति संक्षेप में बन जाता है। तो चलिए कुछ सवालों को और आगे देखते हैं।